हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनेशस वर्ल्ड। और ये है हमारा लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ तीर्थन वैली। और ये था डिनर, तो यही सब बनाया हुआ था। डिनर काफ़ी अच्छा था, मीन्स लेकिन एकदम घर टाइप का खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड होटल में जैसे हम उम्मीद करते हैं ना वैसा नहीं है। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे ट्रैकिंग के लिए। जैसे ये ना प्रॉपर्टी है जो था, जो हमारी होटल है, उसी इसके पीछे पीछे से वॉकिंग रास्ता जा रहा है ट्रैकिंग के लिए भी। तो ये हम ट्रैकिंग करते करते, ये सामने जो येलो प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, ये भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है। टोटल जो कॉटेज के अंदर रूम्स हैं, 6 रूम्स वहाँ पे, जो मैंने अपने रूम्स दिखाए थे, 6 रूम्स वहाँ पे हैं और 3 रूम यहाँ पे हैं। तो टोटल 9 ही रूम्स हैं इस कॉटेज के अंदर। तो ये भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है ऊपर नीचे। यहाँ के लिए अगर आप खाना वाने के लिए, फिर आपको खाने के लिए वहीं आना पड़ता है जहाँ हमारे रूम्स थे। तो ये पीछे से, उसके पीछे से ही पूरा वॉकिंग का रास्ता बना हुआ है। तो हम ऐसे ही चले गए थे कि चलो फॉर अ चेंज। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और अच्छा लग रहा था। तो पीछे पीछे से हम निकले हैं। साइड में पूरा जो है कुछ कैंप्स बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी आगे। ये देखिए, जैसे ये है कैफे 24 करके रिजॉर्ट था ये। इधर कुछ टेंट्स हैं और सेंटर में कैफे भी है। तो अगर आप लोग कैंप के मजे लेना चाहते हैं, टेंट्स के मजे लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। इसके बगल में दो तीन प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसमें टेंट्स बने हुए हैं, कैंपिंग टाइप है। काफी अच्छा है क्योंकि ग्रीनरी, देखिए माउंटेन्स में क्या होता है, पीस चाहिए, शांति से बैठ के आप लोग अपना या तो वर्क फ्रॉम होम कर पाए या इंजॉय कर पाए, चिल कर पाए, जो भी करना चाह रहे हैं, तो वो पूरा एनवायरमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए एक और ये तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, इसमें भी इस तरीके से कॉटेजेस बने हुए हैं और कुछ टेंट्स हैं। तो नेचर में जाने के बाद आप पूरा फील ले सकते हैं नेचर का, प्रॉपर नेचर का। और ये हमारी कुकु पा। और ये हम पहुंच गए सेंटर में। ये मिड पॉइंट है तीर्थान जो वैली है पूरा, उसका मिड पॉइंट है। वहां पे एक ब्रिज बना हुआ है, यही तो हम ट्रैकिंग करते हुए आए थे। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है ब्रिज के ऊपर। मैं खड़ी हूँ, नीचे रिवर बह रही है, उस साइड में रोज रोड है। अगर हम जाएंगे तो जो हमारे रिजॉर्ट का सामने वाला एरिया है वहाँ जाएंगे। एंड सामने की तरफ काफी एक म्यूजियम पार्क टाइप बना हुआ है, ये अगर आप पुल जाना कनेक्ट कर चाहें रहा है तो रोड वहाँ को जा वहां सकते पे। हैं। इसके आगे जाने ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर काफी बड़ा ये प्ले है, ग्राउंड एंड अब पुल ट्रैकिंग पे फॉर्म खड़े हुए काइंड हैं ऑफ हम। है। हम ज्यादा कहीं नहीं गए थे, हम सिर्फ सिंपल रिजॉर्ट में ही स्टे किया था। बच्चों के साथ क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एंड ऑल आप नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे वाटरफॉल है हम नहीं गए, सिर्फ हम रिजॉर्ट में रह के ही हमने फुल ऑन एंजॉय किया है। एंड बस ये कुकु चल रही है दादी और मम्मी के साथ। एंड दिस इज द लास्ट डे जब हम उधर से निकल रहे थे, तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट में थी पूरी सब्जी, ब्रेड जैम, अगर आपको अंडा खाना चाहता है तो अंडे ऑमलेट भी अवेलेबल रहते हैं। तो बस ये ब्रेकफास्ट करके हम चल देंगे बैक टू मोगा पंजाब। तो चलिए म्यूजिक लगा देती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। एंड यस फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आया हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ढेर सारा प्यार अपना जैसा आपने बना रखा है वैसे बनाए रखें। ये हमारी मम्मी, मेरी माता जी। तो बस ये सब नाश्ता कर रहे हैं एंड फिर हम एक ओवरव्यू में आपको दिखाती हूँ वापस होटल का, एंड देन करते हैं बाय बाय होटल को, वीडियो को नहीं, ब्लॉग को नहीं, ठीक है। टाइम टू से बाय बाय बनी 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 मनी 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 बनी बनी बाय बाय कर दो, हम बाय जा रहे हैं। ठीक है चलो मैं जाऊं।
भाभी को भेजने कह रहा है। टाइम टू से बाय बाय तीर्थन वैली बाय। ये रास्ते में लौटते टाइम पे हमने बंटा पिया था एंड यस फ्रेंड्स, लौटते में इट्स टू टायरिंग क्योंकि पूरा माउंटेन से आप उतर रहे हो, तो चढ़ने में इतना नहीं लगा था बट यस लौटने में बहुत भारी लगा, उतरना हैक्टिक लगा एंड बच्चों ने भी वॉमिट कर दिया था, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ओवरऑल आई विल गिव 9 out of 10 टू तीर्थन वैली। मस्ट विजिट है फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाके आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इस जगह पे। तो बस यहाँ ख़त्म होता है तीर्थन वैली का ब्लॉग एंड ये मोगा से ही भाई के घर के बिल्कुल पास में ही 2 घंटे लगते हैं अमृतसर के लिए, तो ये हम निकल लिए थे गोल्डन टेम्पल क्योंकि एक मन था कि गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर लेते हैं। मोगा मिस पंजाब आए हैं तो अमृतसर मैं पहले जा चुकी हूँ, दीदी भी आए हुए थे, दीदी ने नहीं देखा था तो इसीलिए फिर दीदी को था कि नहीं मुझे जानना है, और भाभी ने भी बाहर से ही देखा था, मम्मी ने नहीं देखा तो इसलिए हम चले गए थे गोल्डन टेम्पल। गए थे पार्किंग में गाड़ी पार्क करके, दर्शन करके वापस रात को घर थे मोगा। तो ये एंट्रेंस है यहाँ पे, जब ये आपको गेट दिख जाता है काफ़ी अच्छा सा जो फील ऑटोमेटिकली आपको फील दे रहा है कि आप एंटर कर रहे हैं अमृतसर के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अमृतसर के लिए मैं पूरा म्यूजिक लगा देती हूँ, आप एंजॉय कर सकते हैं अमृतसर के आई मीन गोल्डन टेम्पल के व्यूज को। वहाँ शांति चाहिए तो वहाँ मैं ज़्यादा बोलूंगी नहीं, आप लोग खुद वहाँ के दर्शन कीजिए एंड एंजॉय कीजिए वीडियो को।
है पूरा व्यू हमारे गोल्डन टेम्पल का, और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ बैठ के। और यहाँ पे फिश आपको दिखी रही है, मछलियाँ भी हैं पानी में। लेकिन यस, बाहर थोड़ा रश था जब आप एंटर करते हैं, बट अंदर जो है गुरुद्वारे के अंदर बहुत शांति, बहुत पीस, आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई रश नहीं था बहुत ज़्यादा। आराम से बैठ के आप दर्शन करिए, अरदास कीजिए। एंड ये प्रसाद की लाइन थी, तो हमने प्रसाद अलग से यहाँ पे लिया जाता है। देन ये मोगा में ही हम जूतियाँ खरीदने गए थे, तो मैंने वो क्लिप डाल दी। अमृतसर में बस दर्शन करके खा के हम वापस आ ही गए थे। एंड ये जूतियाँ हैं, ये मैं लेके भी आई हूँ, ये जो मेरे पैरों में आप देख रहे हो ना, ये मैं लेके भी आई हूँ और दीदी पहन के देख रहे हैं। तो बस यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग पंजाब का। बहुत कुछ किया नहीं, ज़्यादा दिन थे नहीं, 3-4 दिन की छुट्टी थी, उसी में घूम कर आए हैं। तो कुछ जो स्पेशल चीज़ें थी आपकी, पूरी जो हमारा ट्रिप रहा है उसके जो पिक्स हैं, उसकी जो एक फ्लैश बैक मैं आपको पिक्स के थ्रू दे रही हूँ। ये न्यूट्री कुलचा फेमस जो होता है पंजाब का, तो हमने इसलिए खाया था। एंड यस, इट वॉज टू टेस्टी न्यूट्री कुलचा। और बस यहीं पे मैं कर रही हूँ ब्लॉग को। एंड ये कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप पूरी जो जर्नी है 3 डेज की तो नहीं थी, 2 डेज की, लेकिन जो ब्लॉग्स 3 दिन आए हैं उसको आप लोग एक सम अप कर सकते हैं थ्रू दिस पिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड यस, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती रहती हैं। एंड मिलेंगे फिर कुछ नया लेके नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।